हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम फिर से खेल रहे हैं BGMI। और उससे पहले आपको टेम्परेचर और बैटरी चेक करवा देता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो अब एंड में भी एक बार टेस्ट करवा दूंगा, आपको चेक करवा दूंगा कि कितनी बैटरी है। और सेटिंग्स हमारी वही रहेंगी, स्मूथ और एक्सट्रीम, और उस पर हम खेलेंगे। और मैच स्टार्ट हो चुका है बेसिकली। अब देखते हैं कि हम कहाँ उतरते हैं, ये मैप में कहाँ उतरते हैं, और स्टार्टिंग में हमें गन्स कौन सी मिलती हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में ही पूरा गेम डिपेंड करता है, वरना एक दो मिनट में ही निपट जाते हैं, कोई मतलब नहीं होता। बाकी टीम वगैरह के साथ तो मैं नहीं उतर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि टीम अभी स्टार्टिंग में मैंने दो गेम प्ले रिकॉर्ड करते करते इन लोगों ने एक मिनट के अंदर निपटवा दिया, जस्ट बिकॉज ऐसी गलत जगह उतारते ना ये लोग कि बोल ही नहीं सकते, खुद तो मरते हैं टीम मेट्स भी मार देते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, अब अपन अपने हिसाब से उतरेंगे कहीं पे भी खाली जगह पे, और देखेंगे कितना ज़्यादा स्कोर कर पाते हैं आज, और क्या हमें चिकन डिनर मिल पाता है या नहीं। बाकी और बात करेंगे हम, जैसे कि मैंने बोला था आपसे कल ही कि अब से मैं रेगुलर बेसिस पे वीडियोस डालूंगा रात में गेम प्लेस की, तो यार मैं अपने वादे पे पक्का उतरते हुए और आज से, मतलब कल से ही मैंने चालू कर दिया था, और अब रेगुलर वीडियोज़ आएंगी गेम प्लेस में, और कुछ थोड़ी बहुत बात भी कर लेंगे हम जो मुझे करनी होती हैं बेसिकली। अभी क्या हो रहा है ना, अभी सीन ये चल रहा है कि ये जो रियलमी का जो अपडेट था, ऑब्वियसली आ चुका है वो अर्ली एक्सेस। उसके बाद जो अभी डेवलपमेंट फेज जो चल रहा है अब, जैसे मास्टर एडिशन वगैरह, मतलब ये साइमल्टेनियसली पूरे जो अपडेट्स हैं वो चल रहे हैं, मास्टर एडिशन हो, GT हो, ये हो, वो हो। तो GT का सबसे पहले हमें अर्ली एक्सेस मिला था देखने को, और उसके बाद GT का स्टेबल अपडेट भी आ चुका है अभी तक, रियलमी GT की बात कर रहा हूँ मैं। उसके बाद अब X7 मैक्स और ऐसे कई सारे फ़ोन्स हैं जो रियलमी 3.0 में कन्वर्ट हो रहे हैं धीरे धीरे, तो उनके अर्ली एक्सेस के बाद जिनको पहले अर्ली एक्सेस मिला था उसके बाद उनको अब स्टेबल अपडेट्स मिलने लगी हैं। तो होपफुली इस मंथ या अगले मंथ फेबररी की स्टार्टिंग वीक तक हमें एक स्टेबल अपडेट मिल जाएगी। और आज भी मैंने दो वीडियोज़ बनाई थी ओवरऑल क्या क्या इशूज़ आ रहे हैं, क्योंकि यार आप लोग अगर रिपोर्ट नहीं करोगे उस इश्यूज़ को ना, तो वो रियलमी वाले फिक्स नहीं कर पाएंगे उसको। बेसिकली अर्ली एक्सेस इसीलिए होता है ताकि आप लोग जितने हो सके उतने ज़्यादा बग्स को रिपोर्ट करो, ताकि जो डेवलपर्स बैठे हैं वहाँ पे वो उसको जल्दी से सॉल्व करके उन इश्यूज़ को एक स्टेबल वर्जन बना पाए। तो बेसिकली आपको एक दिन इशू हो रहा है तो आप, मतलब एक भी चीज़ में इशू हो रहा है तो आप उसको प्लीज़ *800# पे जाके रिपोर्ट ज़रूर करना, क्योंकि उससे आपका और मेरा और जितने भी रियलमी X7 मैक्स डिवाइस के यूज़र हैं उन सबका फ़ायदा होगा कि अब उनको जो अपडेट्स मिलेंगी फाइनली वो स्टेबल मिलेंगी, और ऐसे सारे के सारे इश्यूज फिक्स हो जाएंगे। तो जैसे कि आज मैंने दो वीडियोस बनाई ओवरऑल, एक बैटरी के ऊपर बनाई थी, और एक यूट्यूब के इशू के ऊपर बनाई थी। और कई सारे कमेंट्स और फिर से आए मुझ पर कि चार्जिंग में भी इशू है, ऐप फ्रीज भी ऑप्शन वर्क नहीं कर रहा है। तो ऐसे में कमेंट्स को बहुत ही अप्रिशिएट करता हूँ। आपके अगर आपको कोई इशू फेस हो रहा हो पर्टिकुलरली, तो आप भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, ताकि मैं उस पर भी कुछ काम कर सकूँ, मतलब उसको भी रिपोर्ट कर सकूँ, चेक भी कर सकूँ अपने हिसाब से। तो ये जो यूट्यूब का इशू था ये भी मुझे आप ही लोगों ने बताया था, और जिसकी वजह से मैंने ये चेक किया तो मेरे में भी वही इशू देखने को मिला मुझे सेम टू सेम, तो मैंने वीडियो बना दी उसके ऊपर। तो जितने लोग अवेयर होंगे इस चीज़ को लेके, जो भी अभी तक अर्ली एक्सेस को यूज़ कर रहे हैं, और वो जो लोग अब मतलब उसको रिपोर्ट करेंगे, फीडबैक देंगे कंपनी को, तो उतने जल्दी ज़्यादा मतलब वो बग्स फिक्स होंगे, क्योंकि उनको दिखेगा कि हाँ यार ये बग पर्टिकुलरली फिक्स करना। जैसे कि अभी जब स्टार्टिंग में C01 आया था अपडेट में, उसके बाद जो एज लाइटिंग का इशू था वो काफ़ी ज़्यादा मेजर बग था, और काफ़ी सारे यूज़र्स ने उसको रिपोर्ट किया, और तुरंत ही एक वीक के अंदर हमें C02 अपडेट देखने को मिल गई थी। तो वैसे ही पूरे के पूरे धीरे धीरे इश्यूज सॉल्व होते जाएंगे, और आई एम मतलब मैं पॉजिटिव हूँ इसकी तरफ कि यार अब हमें कुछ स्टेबल अपडेट मिलने के बाद कुछ अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी अपने डिवाइस से। और बाकी अभी तक तो मुझे कहीं भी ऐसा फील नहीं होता कि मैंने कोई गलत डिवाइस ले लिया है या फिर नहीं होता है। यार लोग यूज़र फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, आप भी कभी कभी हो जाते होगे बैटरी को देख के या फिर किसी चीज़ों को देख के, लेकिन ठीक है अब अपन ने ले लिया इस डिवाइस को, तो अब कम से कम एक दो साल तो यूज़ करेंगे ना। ऑब्वियसली 27,000-25,000 कोई छोटी मोटी रकम नहीं होती किसी के भी लिए भी। तो अब मैंने 25,000 का लिया था इसको, ओवरऑल लॉन्च हुआ था 27 में, कितनों ने 27 में ही परचेस किया, कितनों ने 21 में ही परचेस किया, तो 20 के ऊपर यार हाई रेंज ही मानी जाती है बेसिकली।
तो अगर आपने इसको इस प्राइस रेंज पे ख़रीदा तो ऑब्वियसली आप इसका सोच के ही ये लिया होगा कि यार एक दो साल तो इसको यूज़ करना ही करना है। तो अब थोड़ा पेशेंस रखने की ही ज़रूरत है और कंपनी को हमें फीडबैक देते रहना पड़ेगा। जितना ज़्यादा फीडबैक हम देंगे उतने ज़्यादा चांसेस है कि हमारे इशूज़ सॉल्व होंगे। और इसके अलावा हमारे हाथ में और कुछ भी नहीं है अब, क्योंकि हमने पैसे दे चुके हैं, अब सब कुछ हाथ में कंपनी है। या फिर आप एक चीज़ कर सकते हो कि आप जाके अपने फेवरेट, मतलब जो आपको 8.14 से लेके 8.21 तक जो भी वर्जन अच्छा लगा हो आप उसमें जाके डाउनग्रेड करवा सकते हो सर्विस सेंटर से। सर्विस सेंटर वाले ज़रूर ये बोलेंगे कि आपका डिवाइस ब्रेक हो जाएगा या आपके डिवाइस में ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो आपको अच्छे से बोल देना है उनको कि यार हम सर्विस सेंटर से इसीलिए करवा रहे हैं ताकि हमारे साथ ऐसा कोई भी इशू ना हो, और अगर ऐसा इशू होता है तो उसकी ज़िम्मेदारी आपकी होगी, तभी हम आपसे करवा रहे हैं। अगर हमें ये सब इशू मतलब अपने आप पे ही लेने होते तो हम घर बैठ के कर लेते। ऐसे 10,000 ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे यूट्यूब पे, हाउ टू अनलॉक बूटलोडर एंड ऑल एवरीथिंग। तो ये वारंटी वॉइड ना हो इसीलिए हम सर्विस सेंटर पर करवा रहे हैं। अगर हमारी वारंटी हमें वारंटी नहीं चाहिए होती, हमें कुछ इशू नहीं होता, तो हम सर्विस सेंटर पे करवाते ही नहीं, हम घर पे कर लेते। तो ऑब्वियसली वारंटी जो है इनकी जो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड पूरे के पूरे इश्यूज के ऊपर है। और अगर वो लोग ऐसा मना करते हैं आपसे करवाने के लिए तो यू कैन कॉन्टेक्ट रियलमी और उनके ट्विटर हैंडल पे भी जाके आप ट्वीट कर सकते हो कि यार ये लोग ऐसे ऐसे इश्यूज़ को सॉल्व नहीं कर रहे हैं और हम परेशान हो रहे हैं। वहाँ जो रियलमी की ट्विटर वाली टीम होती है वो काफ़ी अच्छे तरीके से हैंडल करती है ये सिचुएशन। मैंने देखा है कई सारे यूज़र्स के इश्यूज सॉल्व हुए हैं और मैंने खुद भी ये चीज़ नोटिस करी है कि अगर उन रियलमी के जो ट्विटर हैंडल पे अपन ट्वीट करते हैं तो वो जल्दी रिप्लाई भी देते हैं और जल्दी से जल्दी हमारे सोल्यूशन भी देते हैं। तो ओवरऑल अगर आपको कोई भी ऐसा इशू आ रहा है कि आपको डाउनग्रेड तो करना है लेकिन सर्विस सेंटर वाले मना कर रहे हैं या बोल रहे हैं ब्रेक हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, फालतू के बहाने बता रहे हैं, तो आप जाके ट्विटर हैंडल पे भी जाके बोल सकते हो, एक बार उनसे खुद फेस टू फेस बात कर सकते हो कि हम लोग सर्विस सेंटर से इसीलिए करवा रहे हैं क्योंकि हमारी वारंटी वॉइड ना हो, और अब अगर ब्रेक होता है तो ये आपकी ज़िम्मेदारी है ना कि हमारी, क्योंकि हमें हमने कंपनी को पैसे दिए हैं ऑब्वियसली, और हम चाहेंगे कि हमें अच्छा का जो भी मतलब बेस्ट ऑफ द बेस्ट यूज़र एक्सपीरियंस मिल सकता है वो हमें मिले। तो ऑब्वियसली ये हमारी ज़िम्मेदारी है, आपकी ज़िम्मेदारी खुद बनती है, मतलब कंपनी वालों की ज़िम्मेदारी खुद बनती है कि वो यूज़र्स को अच्छा यूज़र एक्सपीरियंस दें। ओवरऑल यही है मेरा जो है, मतलब कई सारे मैंने कमेंट्स भी पढ़े कि कंपनी वाले ऐसे बोल रहे हैं कि आपको ब्रेक हो जाएगा आपका डिवाइस, आपका ये हो जाएगा, ये सब फालतू की चीज़ें। अगर ये कंपनी वाले ये सब बोल रहे हैं आप उनसे एक बार और टैली कर लो कि यार जो भी मैंने बताया आपको, अगर वो फिर भी नहीं मानते तो आप रियलमी के कस्टमर केयर पे कांटेक्ट कर सकते हो। आप ट्विटर पे, सबसे बेस्ट तो मुझे ट्विटर ही लगता है, वहाँ पे जाके अपना इशू रेज कर सकते हो, वो इस प्रॉब्लम को जल्दी जल्दी सॉर्ट आउट करेंगे और फिर आपको कंपनी वाले खुद अपने हाथ से फ़ोन करके आपको खुद बुलाएंगे कि हाँ ये हम कर देंगे आपका। तो आपको वैसे डरना नहीं है कि आपका फ़ोन ब्रेक हो जाएगा और सब आपकी ज़िम्मेदारी है, आपकी कोई ज़िम्मेदारी नहीं है। जब आप सर्विस सेंटर ले जा रहे हो तो पूरी की पूरी ज़िम्मेदारी सर्विस सेंटर वालों की है। तो ये एक चीज़ मैंने क्लियर कर दी। काफ़ी सारे यूज़र्स को ये भी दिक्कत आ रही थी कि कंपनी वाले ये ही बोल रहे थे सर्विस सेंटर वाले, तो कुछ कुछ होते हैं यार। अब कुछ कुछ ऐसे लोगों की वजह से हम पूरी कंपनी को डिफेम नहीं कर सकते। ओवरऑल रियलमी का अभी तक जितना भी मेरे से जितना भी हुआ है इंटरेक्शन मेरा, तो भाई कस्टमर एक्सपीरियंस सही रहा है। ओवरऑल मैंने कस्टमर केयर पे भी बात करके देखी है, मैंने ट्विटर पे भी बात करके देखी है, मैंने हर जगह मतलब जहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ सर्विस सेंटर पे भी गया था मैं एक बार फॉर स्मॉल इशू, मतलब थोड़ा सा इशू था हेडफोन जैक वगैरह का, तो वहाँ भी अच्छे से बात करते। ऐसे कोई मुझे इशू फेस नहीं हुआ, लेकिन जिन भी यूज़र्स को ये फेस हो रहा है मैं उनके लिए बता रहा हूँ ओवरऑल। और यहाँ पे हम पहाड़ पे चढ़े हुए हैं अभी तक, और मुझे नहीं लगता इस M4 से हम किसी को भी शूट कर पाएंगे। और दूसरी बात ये आ जाती है, मैं बात कर लेता हूँ उसकी, के जो इसका जो परफॉर्मेंस जो इनने 60 पे स्टक कर दी है, अब मतलब 90 FPS नहीं चलता है। तो मैं फिर से यही बताना चाहूँगा कि अभी जो है वो स्टेबल वर्जन नहीं है, आपको मिल गया ये अर्ली एक्सेस है, तो इसमें स्टेबिलिटी आने में टाइम लगता है। और ये सिर्फ उन लोगों के लिए जो यूज़र्स अपने मन से इसको टेस्ट करना चाहते हैं और चाहते हैं कि आने वाली जो भी अपडेट्स आएँ उनमें ये सारे इशूज़ फिक्स हों, तो ये सब उन्हीं के लिए होता है। तो बेसिकली आपको इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए, एक्सपेक्टेशन रखनी है तो आप इसके स्कोर को देख सकते हो, स्कोर में अच्छा परफॉर्म करता है ये एंटूटू वगैरह में आप देख सकते हो।
काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस है। और बेसिकली अगर आप इसको किसी भी मैं बोल लूँगा कि अगर आप रेडमी के किसी भी डिवाइस से, MIUI के किसी भी डिवाइस से अगर आप कलर OS के डिवाइस को कंपेयर करोगे तो आपको स्टेबिलिटी ऑटोमेटिकली फील हो जाएगी, क्योंकि जो कलर OS है और जो MIUI है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क आपको हाथ में लेते ही पता चल जाएगा, एक स्लाइड से पता चल जाएगा, इतना भी बोल सकता हूँ मैं। आप साइड बाय साइड कंपेयर करोगे ना आपको फ़ील होगा। हाँ, अगर आप Redmi के डिवाइस में कोई भी कस्टम रोम वगैरह इंस्टॉल कर लेते हो तो आपका एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव होगा ऑब्वियसली, लेकिन अगर आप MIUI को कलर OS से कंपेयर करोगे तो कलर OS इज़ द विनर। और 2021 में जितना भी उन्होंने काम किया है कलर OS वालों ने लास्ट ईयर, वो काफ़ी सही था और सही डायरेक्शन में चल रहे हैं। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है। अब क्या मैं ये बोल सकता हूँ बेसिकली कि जब आप एक कंपनी है, आपकी एक कंपनी है, आप 10 फ़ोन लॉन्च कर रहे हो महीने के, 20 फ़ोन लॉन्च कर रहे हो, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ़ फ़ोन्स होंगे उतने ज़्यादा नंबर ऑफ़ डेवलपमेंट में टाइम लगेगा ऑब्वियसली, क्योंकि जितने कम फ़ोन्स होंगे उसका डेवलपमेंट उतना ज़्यादा रिफाइंड और उतना ज़्यादा जल्दी मिलेगा। बेसिकली रियलमी ज़्यादा फ़ोन्स लॉन्च करती है, इसकी वजह से हमें ज़्यादा डिले देखने को मिलता है चीज़ों को लेकर। लेकिन अभी तक जितना भी मैंने फ़ोन परचेज़ करने की डेट से आज तक की डेट है तो ऐसा कोई भी लैग बिहाइंड नहीं हुआ है कि हमें किसी भी महीने सिक्योरिटी पैच ना मिला हो या कुछ भी। बिल्कुल फ्रीक्वेंटली हमें पैचेस मिले, सिक्योरिटी पैचेस मिले, सब कुछ मिला। तो ओवरऑल यार मेरा एक्सपीरियंस तो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव साइड है रियलमी को लेके। और अगर आप चाहते हो कि रियलमी की फ़ोटोज़ वगैरह बैक कैमरा से कैसे खींचते हैं, मतलब खींचनी है या फिर क्या सैम्पल्स आते हैं, आप देखना चाहते हो तो मेरे yashtube.insta पे जाके, आप इंस्टाग्राम पे जाके देख सकते हो। मैं डेली फोटोज़ अपलोड करता हूँ, काफ़ी ज़्यादा अच्छे शॉट्स आते हैं वहाँ पे, आप चेकआउट ज़रूर करना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप डायरेक्ट चले जाओगे या फिर इंस्टाग्राम पे आपको जैसे मैंने बताया yashtube.insta टाइप करके आप जाके चेकआउट कर सकते हो। बेसिकली ये जो फ़ोटोज़ वगैरह की जो मैंने कई सारे यूज़र्स ने भी इंस्टाग्राम पे कमेंट किया कि हाउ टू टेक फ़ोटोज़ लाइक दिस, तो मैं उसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा प्रॉपर, लेकिन मेरे को उसके लिए टाइम चाहिए होगा क्योंकि उसमें मैं कैमरा शूट करते हुए दिखाऊंगा और उसके बाद मतलब एक कैमरा से तो मैं वो फ़ोटोज़ क्लिक करूंगा, दूसरे से मतलब वो एक और बंदा चाहिए पड़ेगा मुझे उसको रिकॉर्डिंग करने के लिए। तो वो जैसे ही हो पाता है पॉसिबल आउटडोर की लोकेशन में मैं आपको पूरा का पूरा बता दूंगा अपना कि कैसे फ़ोटोज़ खींचते हैं, कैसे फ्रेम सेट करते हैं वगैरह वगैरह। थोड़ी बहुत टिप्स हैं जो आपको मिल जाएंगी तो आप भी अच्छी फ़ोटोज़ क्लिक करने लगोगे। बेसिकली कोई इतना बड़ा साइंस नहीं होता, आजकल के फ़ोन इतने ज़्यादा एडवांस हो गए ना कि आपको कुछ भी ज़रूरत नहीं है कोई भी कोर्स वगैरह करने की। मैंने भी कोई कोर्स वगैरह नहीं किया, आप जाके चेकआउट कर लो। सिंपली बस आपको ये एडजस्ट करना होता है कि फ्रेम में आपको क्या क्या चाहिए है और कैसा क्या दिख रहा है, बेसिकली लाइटिंग का फ़र्क पड़ता है। तो मैं सब कुछ आपको समझा दूंगा डिटेल में एक वीडियो बना के, उस पर मैं काम ऑलरेडी कर रहा हूँ। बाकी अभी मैंने एक और नया चैनल भी चालू कर दिया है, वो यस ट्रेड में मैं वो ट्रेडिंग से रिलेटेड वीडियोज़ बनाऊँगा, क्योंकि जैसे कि मैंने पहले ही बताया मैं MBA इन फाइनेंस हूँ और मैं ट्रेडिंग काफ़ी ज़्यादा करता हूँ और मेरी जो जॉब है वो भी बिज़नेस एनालिस्ट की है, तो मेरा काम ही यही है। तो मैं वहाँ पे अपने थोड़े से टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूँगा वहाँ पे। अभी तो सिर्फ माइनर सी 3-4 वीडियो ही अपलोड हुई हैं, लेकिन आगे जाके इन फ्यूचर विद इन 1 or 2 weeks, ज़्यादा फ्यूचर नहीं, 1 or 2 weeks के अंदर मैं पूरा का पूरा प्लान कर रहा हूँ उसको कि जैसे जैसे अपने बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाल के उसकी वीडियोज़ बना दूँ, तो वो जैसे ही पॉसिबल होगा वहाँ पे ये वीडियोज़ आएंगे, आप वो भी चेकआउट कर सकते हो या फीचर चैनल की लिस्ट में आपको वो चैनल भी मिल जाएगा। और ट्रेडिंग की बात निकली है तो मैं एक और चीज़ क्लियर कर देता हूँ, ट्रेडिंग कोई सट्टा बाजार नहीं होता। जैसे मेरे पेरेंट्स को भी जब मैंने MBA किया उसके बाद मैंने जब जॉब वगैरह करी तब उनको समझ में आया कि हाँ यार ट्रेडिंग कुछ इंपॉर्टेंट होती है, कुछ चीज़ अच्छी होती है। मतलब बेसिकली हमारे इंडियंस के दिमाग में वही है कि सट्टा बाजार टाइप का होता है, लेकिन वैसा कुछ भी नहीं होता। बस एक छोटी सी यही बात बोल ली थी मुझे। बाकी अगर आप इन्वेस्टमेंट के हिसाब से सोचो तो ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आपको शेयर मार्केट वगैरह में इन्वेस्ट करना ही चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे जो आपका इन्फ्लेशन रेट है वो दिन ब दिन मतलब साल भर साल बढ़ता ही जा रहा है। और इन्फ्लेशन क्या होता है, बेसिकली महंगाई। तो आपका अगर अकाउंट में, सेविंग अकाउंट में पैसा बढ़ा है ना, तो वो 3% का बेसिकली अगर एवरेज निकालें तो 3% का देते हैं गवर्नमेंट बैंक, और SBI तो 2.75 कुछ देता है यार परसेंट में। तो वहाँ पे आपको इतना इंटरेस्ट मिलता है, और जबकि इन्फ्लेशन रेट 5 से 6% के ऊपर तक चला जाता है,
तो आप सोच सकते हो आपका पैसा रखा रखा वहाँ पे कम ही हो रहा है बेसिकली। तो आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, म्यूचुअल फंड्स वगैरह इंडेक्स फंड्स देख लेने चाहिए सिंपल। मैं आगे अपनी वो वाली चैनल पे बताऊंगा सब, यहाँ पे डिटेल में नहीं जाते, यहाँ ऊपर ऊपर मैंने बता दिया बेसिकली। अब यहाँ पे आप देख सकते हो गेम में, गेम की बात करें तो 15 लोग बचे हैं, एक लोग हमने निपटा है, छुपते जो बातें खेल रहे हैं बड़े बड़े अच्छे से। अब देखते हैं कितने आगे तक जाते हैं यहाँ पे। ऑब्वियसली कोशिश तो यही करेंगे कि हम जीत जाएंगे गेम बेसिकली। बाकी और अभी कोई मुझे ऐसा मेजर बग तो नहीं दिखा है। मैंने जैसे कि बताया मैंने रियलमी 3.0 यूज़ करते करते मतलब एक दो वीक हो चुके हैं, और बैटरी मुझे इतना फ़र्क इसलिए नहीं पड़ता है, मैं सही बताऊँ आपको तो, मैं डेली मतलब मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं फ़ोन को इतना चलाऊँ। मुश्किल से 1 या 2 घंटे मैं फ़ोन को डेली यूज़ कर पाता हूँ, वो भी सिंपल ये वीडियोज़ बनाने के लिए या जब भी मैं ये गेम प्ले खेल रहा हूँ, गेम्स खेल रहा हूँ तभी। बाकी मेरा फ़ोन पड़ा रहता है तो मेरे को इतना फ़र्क नहीं पड़ता, बैटरी मुझे मिले नहीं मिले तो बैटरी का इतना डिफरेंस मेरे को समझ नहीं आता। लेकिन आप अगर आप इसको डेली यूज़ करोगे 5 से 6 घंटे तो आपको अब समझ में आएगा कि 5 से 6 घंटे अगर स्क्रीन ऑन टाइम के बाद ये पूरा का पूरा इसका ड्रेन हो जाएगा बैटरी, तो उस हिसाब से आप रियलमी 3.0 को अच्छे से यूज़ नहीं कर पाओगे बेसिकली। तो अभी स्टेबल वर्जन का आप वेट करो, और 8.21 पे भी अच्छा खासा बैटरी बैकअप मिल रहा है लोगों को। और अगर आपको बैटरी बढ़ानी है तो बेसिकली मैं ये बता देता हूँ आपको, GPS ऑफ रखो अपना और डेटा भी ऑफ रखो, जब आपको यूज़ करना है तब आप ऑन कर लो, बाकी आप हमेशा ऑफ रखो वो सब चीज़ें, वाईफाई वगैरह भी ऑफ रखो जब तक यूज़ नहीं कर रहे हो। और ऊपर से बेसिकली आप क्या कर दो, पावर सेविंग मोड को ऑन कर दो और डार्क मोड ऑन कर दो, तो जितना भी आपको अभी बैटरी बैकअप मिल रहा है उसमें 1-2 घंटे एक्स्ट्रा ही मिल जाएगा आपको, और ओवरऑल आपका जो 8.21 हो या फिर रियलमी 3.0 आपको थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। तो आप ये सब ट्राई करके देख सकते हो, और अगर आपकी बैटरी एकदम सडन 10-10% ड्रॉप हो रही है तो आपको एक बार कैलिब्रेट कर लेना चाहिए। कैलिब्रेट मैंने पहले ही बताया, पहले आपको फुल डिस्चार्ज कर देना बैटरी, उसके बाद आपको फुल चार्ज कर देना है 0 से 100 तक, और 100% के बाद आप उसको यूज़ कर सकते हो पूरा का पूरा, जब तक वो फ़ोन ऑफ ना हो जाए तब तक आपको उसको ड्रेन कर देना है। फ़ोन ऑफ होने के बाद आपको 100% चार्ज कर देना है, तो उससे आपकी बैटरी जो है ना वो कैलिब्रेट हो जाएगी, और उसके बाद आपको थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा बैटरी बैकअप में। और एक आध यूज़र के मेरे पास ये भी कमेंट आया कि हमारा फ़ोन बहुत ज़्यादा लैगी हो गया है, बहुत ज़्यादा हैंग हो रहा है। तो भाई ऐसा तो मैंने मतलब बिल्कुल 0.1% भी देखा लोगों में कि जिनको ऐसा हो रहा हो रियलमी 3.0 में। लेकिन अगर आपको हो रहा है तो आप बेसिकली फॉर्मेट कर दो डिवाइस को, क्योंकि हो सकता है आपकी मेमोरी फुल हो गई हो या फिर कुछ पार्सिंग एरर्स आ जाते हैं। मैंने जैसे कि पहले ही बताया वीडियोस में कि पार्सिंग एरर्स एंड ऑल की वजह से आपका फ़ोन हैंग होने लगता है, लैग होने लगता है। लेकिन मेरे को या फिर मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे भी मैं पूछता रहता हूँ, तो वहाँ पे भी लोगों को कुछ भी इशू फेस नहीं हुए। अगर आप अभी तक जुड़े नहीं हो वहाँ पे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे बहुत सारी बातें चलती रहती हैं ऑब्वियसली। और यहाँ पे जो भी इश्यूज आते हैं हम एक दूसरे के हेल्प करते रहते हैं। तो ओवरऑल मैं कहूँ तो गेम प्ले काफ़ी सही से चल रहा है, बस यही है कि 90 FPS तो अभी तक नहीं आ रहा है, और टेम्परेचर भी अच्छे से कंट्रोल हो रहा है। अब टेम्परेचर का क्या बात करूँ मैं, अभी हमारा विंटर्स चल रहा है, ऑब्वियसली 20 के नीचे तो हमारा खुद का घर का टेम्परेचर हो रहा है नॉर्मल टेम्परेचर जो एटमोसफेयर का, तो और रात में तो 9-9, 5-5, 6-6 degrees पहुँच जाता है। तो ऑब्वियसली आप नहीं कर सकते उस चीज़ को कि आपका टेम्परेचर 40 के ऊपर भी जाए, मेरा तो 33-34 के ऊपर जाता ही नहीं है अभी फ़िलहाल। और जब समर्स वगैरह थी, जब रेनी सीजन चल रहा था, उस टाइम पे मेरा टेम्परेचर 43-44 टच कर रहा था। तो ओवरऑल 10 डिग्री कम मिल रहा है अभी विंटर्स में मेरे को टेम्परेचर, और मैं एंड में भी दिखा दूंगा आपको कितना राइज होता है ये टेम्परेचर अभी इतने गेम प्ले के बाद 20-30 मिनट के। तो ओवरऑल तो यार काफ़ी सही सा लगा एक्सपीरियंस जो भी है, और मैंने बता दिया आपको अगर डाउनग्रेड भी करना है तो आप सर्विस सेंटर में कैसे कर सकते हो। बाकी कवर्स वगैरह की वीडियोस भी बहुत सारी बना दी, आपने अभी तक चेकआउट नहीं करी तो एक्सेसरीज वाली प्लेलिस्ट आप देख लेना, बहुत सारे कवर्स मैंने रिव्यू कर दिए हैं ऑलरेडी जो मुझे बेस्ट ऑफ द बेस्ट लगे हैं, तो आप देख सकते हो वहाँ पे पूरी के पूरे चेकआउट कर लेना। बाकी और कोई भी दिक्कत तो मुझे अभी तक फेस नहीं हुई है ऐसी मेजर जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया,
और अगर आपको कोई भी इश्यूज आ रहे हैं रिगार्डिंग एनीथिंग, तो आप मुझे यहाँ पे कमेंट डाउन करके बता सकते हो कि हाँ यार मेरे को ये इशू आ रहा है। क्योंकि होता क्या है ना कि कई सारे यूज़र्स को अलग अलग टाइप के इश्यूज फेस होते हैं, तो आप जैसे मुझे बताते जाओगे वैसे वैसे आपको मतलब आपके साथ शेयर करता रहूँगा और वो लोगों की हेल्प होती रहेगी। बेसिकली मेरा मोटो ये है कि मैं सारे लोग जितने भी हैं जिन्होंने भी ये डिवाइस परचेज़ किया है X7 Max, उनकी हेल्प होती रहे। और ऑब्वियसली यहाँ पे मैं यही करना चाहता हूँ अभी तक, और यहाँ पे तो और कोई भी दिक्कत नहीं आ रही है हमें। और iPad की वीडियोस यार मैं बनाना भूल ही गया एक्चुअली, मतलब कब से नहीं बनाई iPad की वीडियोस। iPad की वीडियोस भी लाऊंगा अब मैं रेगुलर बेसिस पे, मैंने यही कमिटमेंट किया अपने आप से एक कल से एक ना एक वीडियो तो बनाऊंगा iPad के ऊपर ऑब्वियसली। वो भी मतलब उसका भी बहुत यूज़ हो रहा है आजकल, और मैं पूरी उसकी एक रिव्यू लाने वाला हूँ फुल रिव्यू, कि वो कैसे हेल्पफुल हो सकता है। आप अगर स्टूडेंट हो या बिजनेस हो, बिजनेस ओनर हो, या फिर आपका खुद का बिजनेस है, या फिर आप एक जॉब करते हो, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो जाएगा अपनी लाइफ में अगर आप आईपैड को जोड़ लेते हो। तो वो कैसा इम्प्रूवमेंट है वो सारी की सारी वीडियो में लाने वाला हूँ। बस थोड़े दिनों की बात है, बस थोड़े दिनों की भी नहीं, कल परसों से ही आने लगेंगी। तो उसके लिए भी आप देख सकते हो नोटिफिकेशन बेल, यार नोटिफिकेशन बेल दबा लेना, क्योंकि मैंने बहुत सारे यूज़र्स को भी देखा कि जिनको नोटिफिकेशन नहीं मिल रही है, तो आप नोटिफिकेशन बेल एक बार ऑल पे जाके दबा देना ताकि आपको हर बार नोटिफिकेशन मिल जाए रिगार्डिंग माय वीडियोस। बाकी मैं वीडियोस तो डेली ही पोस्ट कर रहा हूँ अभी तक, एक आध दिन मिस हो जाता होगा वीक का, लेकिन बाकी तो मेरे रेगुलर वीडियोज़ ही आते हैं। यहाँ पे अब गेम एंडिंग की तरफ है, 7 लोग अलाइव हैं और एक हम हैं, इकलौते एक लोग, मतलब एक ही हम हैं और एक ही हमने किल किया, तो काफ़ी ज़्यादा। अरे यार नीचे खड़ा हुआ था वो, उसने बैंड में जा दी फ्री पकड़ने। चलो कोई बात नहीं, नंबर 3 पे आए हैं, हमने सोचा वो ऊपर आएगा, वो ऊपर तो आया नहीं, नीचे से उसने डायनामाइट फेंक दिया। नंबर 3 पे आए हैं और यहाँ पे आप देख सकते हो टेम्परेचर कितना राइज हुआ है, 33.4, और बैटरी भी आप देख सकते हो कितनी ड्रेन हुई है। ओवरऑल आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और आप मुझे वेरियस प्लेटफॉर्म से भी फॉलो कर सकते हो, जैसे कि मैंने बताया इंस्टाग्राम ट्विटर टेलीग्राम सारी जगह हम एक्टिव हो चुके हैं। डिस्कॉर्ड का सर्वर भी ला रहा हूँ मैं जल्दी, मतलब डिस्कॉर्ड भी मैं एक्टिव हो जाऊँगा, उस पर भी आप ज्वाइन कर सकते हो। बेसिकली कोई प्लेटफॉर्म नहीं छोड़ना है हमें, सब पे एक्टिव हो जाएंगे। बाकी मिलते हैं वे किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में। और एक चीज़ बोलना भूल गया, अगर आपको कुछ भी चीज़ परचेज़ करनी है Realme X7 Max या iPad 9 से रिलेटेड, तो डिस्क्रिप्शन में सारी की सारी एक्सेसरीज़ की लिंक्स हैं, तो वहाँ से आप सॉर्ट आउट करके चेकआउट कर सकते हो। मैंने सॉर्ट आउट करके रख दी है पूरी वहाँ पे, तो वहाँ चेकआउट ज़रूर कर लेना। बाकी मिलते हैं वे किसी और वीडियो में, बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, वेयर मास्क, बाय बाय।